हरिभाऊ किशन राव बागड़ी को बनाया गया राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नियुक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को बनाया गया है। जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे हैं हरिभाऊ बागड़े। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और साथ ही अभी तक कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल थे, लेकिन अब ये कमान हरिभाऊ के हाथों में गई है। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पीकर पद पर महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्होंने इसकी जिम्मेदारी निभाई है और अब राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर यह जिम्मेदारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हरिभाऊ बागड़े को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें देर रात कई राज्यों में बदले गए हैं राज्यपाल और नई नियुक्तियां की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में देर रात कई राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्तियों की घोषणा की गई और राष्ट्रपति भवन द्वारा इसको लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, जिसमें नए राज्यपालों की सूची जो है वो जारी की गई है। आपको हम जानकारी दे दें कि गुलाबचंद कटारिया का स्थान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने लिया है और गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से राजस्थान के राज्यपाल थे, लेकिन अब राजभाऊ अब ये नई जिम्मेदारी निभाएंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ये है, जहां पर गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है गुलाबचंद कटारिया को। आपको जानकारी दे दें कि उदयपुर के रहने वाले हैं गुलाबचंद कटारिया और अभी तक निभा रहे थे असम के राज्यपाल की जिम्मेदारी। राजस्थान विधानसभा के रह चुके हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे हैं गुलाबचंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया सिक्किम का राज्यपाल। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री रहे हैं ओम माथुर। तो नई जिम्मेदारियां दी गई है दिल्ली से, कल देर रात ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जहां पर पंजाब के राज्यपाल अब बदले गए हैं। गुलाबचंद कटारिया को जिम्मेदारी दी गई है और ओम प्रकाश माथुर को भी नई जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री रहे हैं ओम माथुर। तो दो बड़े नेता राजस्थान के, जिन्हें दो बड़े प्रदेशों की कमान दी गई है। तो ये सिर्फ राजस्थान के राज्यपाल के सिलसिला ही नहीं बदलने का शुरू हुआ है, बल्कि सिक्किम के साथ साथ पंजाब के राज्यपाल की भी कमान अब बदली गई है और राजस्थान के दो बड़े दिग्गज नेता को सिक्किम और पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा कि इसके पीछे के क्या कुछ मायने हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जैसे पूर्व अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री रह चुके ओम माथुर, जिनको कमान दी गई है, राजस्थान भाजपा के में थे ये, अब इन्हें बनाया गया है सिक्किम का राज्यपाल। गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान को भी नए राज्यपाल के तौर पर हरिभाऊ बागड़े को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और असम से पंजाब और चंडीगढ़ का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया गुलाबचंद कटारिया को। सिक्किम से असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो ये कुछ नए राज्यपालों की सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान का राज्यपाल उन्हें बनाया गया है। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। सी एच विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीपी राधा कृष्णन को झारखंड से महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाबचंद कटारिया को असम से पंजाब और चंडीगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को भी सिक्किम से असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और बड़े बदलाव कल रात ही जारी किए गए हैं आदेश, और अचानक से हुए इस बदलाव के बाद अब देखना होगा, क्योंकि नई जिम्मेदारियां रहने वाली है और इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है वो भी कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। और इसके साथ तेलंगाना के साथ झारखंड सहित 9 राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुमार गंगवार को भी झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है।
हालांकि सबकी नजर इसी बात पे थी कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी तो संतोष गंगवार को अब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली गई है। उत्तर प्रदेश 29 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। मौजूदा जो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब, कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी देर रात ये खबर आई और उसके बाद कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है लेकिन झारखंड का जिम्मेदारी दी गई है संतोष गंगवार को। वही 29 जुलाई बताया जा रहा है कि खत्म होगा ये कार्यकाल और आनंदीबेन पटेल को, और फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इस तरह ये बड़े बदलाव ममता देखना होगा कि इसके पीछे की क्या कुछ अहम वजह है और सियासी एंगल इस पर क्या निकल कर आता है, क्योंकि कोई भी अगर सियासी गलियारों में हलचल होती है और बीजेपी क्योंकि जिस तरह बैठ के करती है और रात में ही बड़ा बदलाव करती है, इसके पीछे का क्या उनका एंगल नजर आने वाला है और इसको लेकर क्या कुछ रिटेलिएशन सियासी गलियारों में होने वाले विपक्षी दलों के द्वारा, उसका इंतजार, रिएक्शन का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल ये कुछ राज्य और जिसमें बड़े बदलाव बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। तो अब यूपी को कौन नया राज्यपाल मिलेगा इस पर भी नजरें रहने वाली हैं। लखवीर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। लखवीर, नई सूची जारी की गई है राज्यपालों की जिसमें तमाम प्रदेशों के राज्यपाल बदले गए हैं, जरा लिस्ट भी बताइएगा और यूपी को लेकर भी कुछ जानकारी आपके पास हो। जी बिल्कुल, कल देर रात राष्ट्रपति सचिवालय से सूची जारी हुई जिसमें कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए और मुख्य तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के राज्यपाल का बहुप्रतीक्षित इंतजार था कि कलराज मिश्र के बाद राजस्थान के राज्यपाल कौन होंगे, और देर रात जारी हुई सूची में राजस्थान का राज्यपाल जो है वो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को बनाया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़ा नाम रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, 2 बार महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अब उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को एक अच्छा, एक बड़ा अनुभव है सत्ता चलाने का, संगठन संभालने का, और अब वो संवैधानिक पद पर बैठेंगे और राजस्थान में वो राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे। वहीं जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया और वही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भाई साहब के रूप में जाने वाले राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व संगठन महामंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे ओम प्रकाश माथुर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनको सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर को एक बड़ा तोहफा दिया गया है क्योंकि ओम प्रकाश माथुर ने लगातार संगठन के लिए काफी मेहनत की, संगठन के लिए काफी काम किया, जिस भी राज्य में वो गए वहां बीजेपी को सींचने का उन्होंने काम किया और कई बार उन्होंने बड़े फैसले, बड़े चुनौतियां ली क्योंकि उन्हें हमेशा उस राज्य में जिम्मेदारी देकर भेजा जाता था जहां पर बीजेपी मजबूत नहीं थी, बीजेपी के लिए संभावनाएं काफी नहीं थी और उन्होंने हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव दिया और बीजेपी को जीत दिलवाई। इसी का परिणाम ये रहा कि उन्हें उपहार के तौर पर सिक्किम का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। हालांकि मुख्य धारा में और संवैधानिक पद पर उनका पहला अनुभव होगा लेकिन वो जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं है, न्याय सबके साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें उनका जो अनुभव होगा और सिक्किम की जनता के साथ वो काफी न्याय करेंगे और निश्चित रूप से संवैधानिक पद पर अब जल्द ही ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल के रूप में बैठने वाले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की ही एक और वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी भी दी गई है। गुलाब चंद कटारिया मूलतः मेवाड़ के उदयपुर के रहने वाले हैं, अभी तक वे असम राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे थे लेकिन अब उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है, साथ में चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। लखवीर, जरा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद भी हैं संतोष कुमार गंगवार, उनको झारखंड का राज्यपाल तो बनाया गया लेकिन सबकी नजर ये भी है कि बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां पर आनंदीबेन पटेल अभी राज्यपाल है, वहां पर कौन हो सकता है? जी देखिए, अभी जारी हुए आदेश में तो 8 राज्यों के राज्यपाल ही बदले, 9 राज्यों के राज्यपाल ही बदले गए हैं और आप काफी इच्छुक हैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जानने में।
हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लेकर किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ है। आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया और निश्चित रूप से जल्द ही यूपी को भी नया राज्यपाल मिलेगा। फिलहाल जारी हुए आदेश में 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें राजस्थान के नजरिए से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान को तो नया राज्यपाल मिला ही, लेकिन राजस्थान के 2 वरिष्ठ नेताओं को 2 अलग अलग जगहों पर राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। जहां ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल होंगे, तो वहीं गुलाबचंद कटारिया जो अभी तक आसाम राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे वो अब पंजाब के राज्यपाल के रूप में काम करेंगे और चंडीगढ़ में वो लगभग इसके पीछे का एंगल आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या कोई एंगल है, क्योंकि बीजेपी कोई भी काम ऐसे तो करती नहीं है। जी देखिए, तमाम उन वरिष्ठ चेहरों को तरजीह दी गई है जिन्होंने कई भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो संगठन के लिए हो या फिर अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने एक बहुमुखी आयाम छुए हैं अपने जीवन में, जो जिन्होंने बेहतरी के लिए काम किया है, उन तमाम लोगों को चुना गया है राज्यपाल के पद के लिए। हालांकि नाम कई चल रहे थे, नाम कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार काम किया, लेकिन जब चयन हुआ तो उसमें साफ तौर पर नजर आया कि सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठाना है और चयन भी इसी आधार पर किया गया है कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद की गरिमा को समझे, जो व्यक्ति न्याय कर सके उस पोस्ट पर, उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। क्योंकि राजस्थान के नजरिए से अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश माथुर जैसे नेता का नाम राज्यपाल के लिए आना और गुलाबचंद कटारिया जो कि अभी तक आसाम राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे, उनको पंजाब जैसे राज्य में भेजना जो कि काफी क्रूशियल है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां भी होती हैं, वहां पर बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा है और कई बार एंटी इंडिया मूवमेंट भी होता है, तो ऐसे में एक गंभीर व्यक्ति को भेजना काफी जरूरी था, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को लॉ एंड ऑर्डर संभालने की एक बड़ी अनुभव है उनको, क्योंकि वो राजस्थान के गृह मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बड़ा अनुभव उनका है। तो ऐसे में गुलाबचंद कटारिया सरीक के नेताओं को, ओम प्रकाश माथुर सरीक के नेताओं को, जिष्णुदेव वर्मा सरीक के नेताओं को, हरिभाऊ बागड़े जैसे नेताओं को राज्यपाल बनाकर बीजेपी राज्यपाल बनाकर राष्ट्रपति ने ये साफ तौर पर संदेश दिया है कि जिन नेताओं को काफी अनुभव रहा है अपने जीवन काल में, चाहे वो संगठन का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे सामाजिक जीवन का हो, उन नेताओं को राज्यपाल बनाकर उस पद की गंभीरता को, गोपनीयता को और बनाया गया है, बरकरार रखा गया है। क्योंकि ये अधिकतर देखा गया है लखबीर कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में टसल रहता है, अब क्योंकि नई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इनके सामने भी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में जो टसल रहता है वो सामने आएगी, उसको डील इनका एंगल क्या होगा, क्या आपसे कोई राज्यपाल जो बने हैं रात में नियुक्त किए गए, किसी से आपकी बात हुई है, किसी से आपका रिएक्शन निकलकर सामने आया है? जी देखिए, चूंकि राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठता है, उसका किस पदभार ग्रहण करने के बाद किसी विचार से उसका ताल्लुकात होता नहीं है, राज्य की बेहतरी के लिए काम करना ही उनका उद्देश्य होता है। हाँ, ये बात सही है, कई राज्यों में जहाँ विचारधारा का डिफरेंसेस होता है सरकार में और राज्यपाल में, तो इस प्रकार के टसल की स्थिति होती है, लेकिन क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं, उनका किसी विचार से ताल्लुक होता नहीं है पद संभालने के बाद, तो राज्यपाल की भूमिका यही होती है कि कैसे उस राज्य की उत्तरोत्तर प्रगति हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल हो, बैठाया जाए और जनता के ग्रीवेंसेस को सुना जाए, जनता के लिए लगातार बेहतरी की जाए, ये प्रमुख उद्देश्य होता है। हालांकि कल देर रात ही आदेश जारी हुआ तो प्रत्यक्ष तौर पर तो किसी नए राज्यपाल से बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब आसाम का राज्यपाल बनाया गया था गुलाबचंद कटारिया को, तो उस दौरान जब गुलाब जी हिसाब से बात हुई थी तो गुलाबचंद कटारिया ने साफ तौर पर कहा था कि मेरा अनुभव अब तक मुख्य धारा की राजनीति कर रहा है, मैं कई बार मंत्री रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। उस टाइम जब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था तो राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और तुरंत और उसी दौरान उनके आदेश जारी हुए राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से कि उन्हें आसाम का राज्यपाल बनाया गया। तो हमने पूछा भी था कि
साहब, अब तक आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, विपक्ष की मजबूत आवाज थी, और अब आप संवैधानिक पद पर बैठेंगे तो कैसे न्याय करेंगे इस पद के साथ? तो साफ तौर पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि एक गंभीर राजनेता की पहचान ही यही होती है कि जब आप सामाजिक जीवन में हो, जब आप मुख्य धारा की राजनीति में हो और फिर संवैधानिक पद पर बैठे तो उस पद के साथ न्याय करें। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने विचार को तो अपने मन में रखें, आगे बढ़ाएं, लेकिन जिस पद पर आप बैठे हैं उसके साथ न्याय करें, वहां की जनता के साथ न्याय करें, और आपका विचार, आपके प्रेफरेंसेस जो हैं वो कभी भी आपके बीच में बाधा नहीं डालें कि आप अपने जिस पद पर बैठे हैं उसको ओवरडील करते हुए, उसके इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं अन्याय ना कर दें वहां की जनता के साथ और वहां की सरकार के साथ। तो निश्चित रूप से इसीलिए ऐसे गंभीर नेताओं को, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को ही राज्यपाल बनाया गया है ताकि अच्छा मैसेज दिया जा सके, सत्ता के बीच में संतुलन बैठाया जा सके और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ये सेतु का काम करें। ठीक है लखबीर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, अब हरिभाऊ को ये कमान संभाली दी गई है, दोनों के वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है और राजस्थान को हरिभाऊ की कमान संभालने में अब क्या नया बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, हरिभाऊ किशनराव बागड़े महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा है। हाँ। विधानसभा में स्पीकर रहे हैं, निश्चित रूप से दोनों ही पक्षों को सुनने का उनको अनुभव है और आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको न्याय करना आता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष को भी सुनता है, विपक्ष को सुनता है। और हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने दो बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी संभाला है, ऐसे में उन्हें मालूम है कि कैसे जनता के काम होते हैं, कैसे जनता के साथ किया जाता है और सरकार कैसे चलाई जाती है। लेकिन अब उन्हें संवैधानिक पद पर बैठाया गया है, हालांकि 70 साल से अच्छी उनकी उम्र है और ऐसे वरिष्ठ राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है लखबीर, हम लौटते हैं आपके पास, सुधीर भी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुधीर, क्योंकि बड़े बदलाव किए गए और हरिभाऊ राजस्थान के अब नए राज्यपाल होंगे, ऐसे में आगे उनका कामकाज किस तरीके से रहने वाला है और क्या कुछ बदलाव जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे? देखिए, राजस्थान के लिहाज से और प्रदेश बीजेपी और संघ के हिसाब से देखें तो ये बड़ी खबर के तौर पे देखा जा सकता है कि संघनिष्ठ ओम प्रकाश माथुर को अब सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। विभिन्न प्रदेशों के वो प्रभारी भी रहे हैं, यूपी और गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं, इसके अलावा संगठन की उनको जबरदस्त पकड़ है। अब उनको इस बार ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है और सिक्किम के राज्यपाल का वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो दूसरी ओर अब जो पिछले साल गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया था, उनका स्टेट बदला गया और उनको पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में लगाया गया है। पंजाब के राज्यपाल होंगे, चंडीगढ़ के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम वो वहां पर देखेंगे। दो अगर देखें तो बड़े रूप में लिया जा सकता है इन नामों को। जहां तक राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल है, 22 जुलाई को पूरा हो गया था, उसके बाद से जो नियुक्ति का पत्र जारी होता है, जो नियुक्ति वारंट जारी होता है राष्ट्रपति भवन से, उसमें यह होता है कि कार्यकाल पूरा होने तक या प्रसाद पर्यंत तक, तो 22 जुलाई को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अब उनकी जगह नियुक्त किया गया है हरिभाऊ बागड़े को। आप महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं पहले, तो निश्चित रूप से जो एक राज्यपाल की और एक संवैधानिक पद का जो रहेगी जानकारी वो उनको पहले से होगी। तो ऐसे में राजस्थान के प्रशासन को भी और राजस्थान की जो संवैधानिक पद को वो सुशोभित ही करेंगे क्योंकि उनको नियमों की और तमाम जानकारी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वो रहे, इसलिए आज जी बिल्कुल। और हम देखने को भी मिल रहा है क्योंकि इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हरिभाऊ किशनराव बागड़े को दी गई है, ऐसे में राजस्थान के लिहाज से कितना अहम रहने वाला है, आगे क्या कुछ आपको लगता है किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाएगा? क्योंकि विपक्ष के भी अपने मुद्दे रहते हैं और हमने देखा है कि अक्सर सरकार में भी तालमेल बैठाने में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। देखिए, निश्चित रूप से ये सही बात है कि आर्थिक